बेड त्याग का नागपुर किस्सा भी फर्जी निकला। जी हाँ, आपने अब तक आरएसएस से जुड़े नारायण दाव दाबड़कर के त्याग की कहानी सोशल मीडिया पर सुन ली होगी। न जाने कितने लोगों ने नागपुर निवासी 85 वर्षीय दाबड़कर की उस कहानी को सुनकर श्रद्धा व्यक्त की, जिसमें कहा गया था कि बुजुर्ग ने किसी और के लिए अस्पताल में अपना बेड त्याग दिया और 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन लोकमत की खबर के बाद अब पता चला है कि जिस दिन नारायण राव को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, उस दिन अस्पताल में 3-4 बेड उपलब्ध थे और किसी और को बेड देने की कोई इच्छा उन्होंने न जताई और न इसकी जरूरत थी। आखिर ये झूठी खबर वायरल कैसे हुई? तमाम अखबारों और न्यूज चैनलों ने इसे त्याग बलिदान की अमर कहानी बताकर चला दिया। उन्होंने ये सवाल भी नहीं किया कि आखिर किसी बुजुर्ग को दवा इलाज बगैर मरना पड़े तो ये सिस्टम को लानत भेजने की बात है या फिर फख्र करने की। लेकिन कॉमन सेंस ये पूछ रहा था कि क्या कोई मरीज बेड देने या ना देने का फैसला कर सकता है या फिर ये अस्पताल प्रशासन तय करता है। इस संबंध में नागपुर नगर निगम द्वारा संचालित इस अस्पताल के इंचार्ज शीलू चिमुरकर ने जो कहा, उससे साबित होता है कि ये खबर पूरी तरह गड़ी गई। डॉक्टर शीलू ने बताया कि दाबड़कर 22 अप्रैल की शाम 5:55 इमरजेंसी में भर्ती हुए। हमने उनके परिजनों से कहा कि अगर उनकी हालत बिगड़ी तो उन्हें किसी बड़े अस्पताल जाना पड़ेगा। वे सहमत हो गए। 7:55 पर वे लौटे और डिस्चार्ज करने की मांग करने लगे। हमें इसका कारण नहीं बताया गया, लेकिन हमने उन्हें सलाह दी कि वे मरीज को किसी बड़े अस्पताल में ले जाएं। उनके दामाद अमोल पाजपोर ने सहमति पत्र पर साइन की। तब हमने मेडिकल सलाह के विरुद्ध डिस्चार्ज कर दिया। सोशल मीडिया में तैर रही त्याग बलिदान की कथाओं के बारे में शीलू चिमुरकर ने कहा कि उनके किसी स्टाफ ने ऐसी किसी घटना को नहीं देखा। उन्होंने ये भी कहा कि उस दिन हमारे पास 4-5 बेड खाली थे, यानी 4-5 बेड जिस अस्पताल में खाली थे उस दिन किसी के बेड त्यागने की जरूरत क्या थी। वैसे मानव इतिहास में ऐसी कथाएं तमाम हैं जब लोगों ने अपनी जान देकर दूसरों की जान बचाई, लेकिन इस तरह का फर्जीवाड़ा बताता है कि दुष्प्रचार कितना सुचिंतित और राजनीतिक है। ध्यान रहे, कुछ दिन पहले हिंदी के सबसे बड़े अखबार दैनिक जागरण ने छाप दिया था कि आरएसएस के संस्थापक केशव बालीराम हेडगेवार ने काकोरी ट्रेन डकैती में हिस्सा लिया था केशव चक्रवर्ती के नाम से, जबकि केशव चक्रवर्ती एक दूसरे क्रांतिकारी थे। गौरतलब है कि इस फर्जी खबर को फैलाने में आरएसएस भी शामिल रहा। खैर, गोदी मीडिया से और क्या उम्मीद करी जा सकती है।